कालिया लड्डू खाते खाते कहीं जा रहा होता है, तभी वो सामने भीम को देखता है। मधुमक्खी भीम को शहद खिला रही होती है। कालिया अपने हाथों के सारे लड्डू खा जाता है और भीम के पास शहद खा लेता है। भीम कालिया के ऊपर खड़ा हो जाता है। मधुमक्खी भीम के लिए एक फूल से शहद लाती है और भीम को खिला देती है। कालिया को एक आइडिया आता है। वो एक पत्थर को खसकाकर उस पर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि शहद उसके मुंह में होगा। कालिया उस पत्थर को खसकाने के लिए एक्सरसाइज करने लगता है। फिर भीम उस पत्थर को दोनों हाथ से धक्का दे देता है। वो पत्थर बहुत तेजी से मधुमक्खी के फूलों के पास जाने लगता है। सारी मधुमक्खियाँ डर जाती है। तभी भीम उन सबको बचाने आ जाता है। सारी मधुमक्खियाँ फूल में छुप जाती है। भीम पत्थर के आगे आ जाता है और उसे एक हाथ से वहीं रोक देता है। सभी मधुमक्खियाँ भीम और कालिया को बहुत से एक बॉडी बिल्डर अपनी ताकत दिखा रहा था। वो एक रोड को लेता है और उसे बीच से मोड़ देता है और उसे अलग रख देता है। तभी भीम वहाँ आ जाता है और चुपके से उस रोड को सीधा कर देता है, रोड को रख देता है और वहाँ से चला जाता है। अभी बॉडी बिल्डर वहाँ कुछ ढूंढ रहा था। अभी वो देखता है वो रोड पूरी सीधी होती है। फिर वो बॉडी बिल्डर उस रोड को टेढ़ा कर देता है और उसे सभी को दिखाकर नीचे रख देता है। भीम आता है और उसे उठाकर दिल के शेप में बनाकर वहाँ रख देता है। बॉडी बिल्डर चौंक जाता है कि ये कौन कर रहा है। बॉडी बिल्डर उसे सीधा करके नीचे रख देता है। फिर हमारा भीम फिर से उसे वैसा ही कर देता है। फिर बॉडी बिल्डर बड़ा सा डंबल उठा लेता है। क्या हुआ ये जानने से पहले अगर आप इंडिया से हैं, इस तिरंगे का जरा सा भी सम्मान करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय हिंद जरूर से लिखना। अभी हमारा भीम उसी जैसे डंबल को एक हाथ से उठा